वेलकम टू एनसीईआरटी वे यूपीसी। एनसीईआरटी वे यूपीसी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम 11th क्लास की बुक हॉर्नबिल का चैप्टर 5 देखेंगे, द एलिंग प्लेनेट, द ग्रीन मूवमेंट्स रोल। तो ये हमारे प्लेनेट से रिलेटेड है, कैसे जो है एनवायरमेंट खराब हो रहा है, पॉल्यूशन कैसे बढ़ रहा है, उससे रिलेटेड ये चैप्टर है आपका। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, करंट सिनेरियो पर बेस्ड चैप्टर है। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहता हूं, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि आगे आने वाले दिनों में यहाँ पे आपको और इंटरेस्टिंग वीडियोज देखने को मिले। थैंक यू। तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, द एलिंग प्लैनेट, द ग्रीन मूवमेंट्स रूल, ये लिखा है नैनी पाहिवला ने इसको लिखा है। देखिए, इसमें कुछ एक्सप्रेशंस हैं जो हम आगे आएंगे, एक्सप्रेशंस तो जानेंगे इनके बारे में। ये जो आर्टिकल लिखा है, ये लिखा गया है नानी पालकी वाला के द्वारा, जो कि पब्लिश हुआ था इंडियन एक्सप्रेस में 24 नवंबर 1994 को, 24th of November 1994 को ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था, उसी की एक एक्सेप्ट है। ये इशू, इस आर्टिकल में इशू रेज किए गए हैं डिक्लाइनिंग हेल्थ ऑफ अर्थ, कैसे हमारी पृथ्वी की जो हेल्थ है, उसका जो स्वास्थ्य है, वो डिक्लाइन हो रहा है। स्वास्थ्य डिक्लाइन हो रहा है इसका मतलब कैसे पॉल्यूशन के कारण अर्थ जो है उसके एनवायरमेंट पे इफेक्ट्स पड़ रहे हैं, जो देखने को भी मिल रहे हैं। आगे देखिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बताया गया है, वन कैन नॉट रिकॉल एनी मोमेंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री विच हैज gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the green movement which started nearly 25 years ago. 25 साल पहले जो green movement start हुआ था, उसने इस entire population का, entire human race का जो एक actual issue है वो उठाया था, वो raise किया था। तो एक व्यक्ति जो है वो रिकॉल नहीं कर सकता है वर्ल्ड हिस्ट्री में एक ऐसे मूवमेंट को जिसने हम सबकी एक इमेजिनेशन पे ग्रिप किया है, एंटायर ह्यूमन बीइंग का, इस तरीके से, इस कंप्लीटनेस के साथ में, जैसे कि ग्रीन मूवमेंट जो कि स्टार्ट हुआ था आज से 25 साल पहले, उसने ग्रिप किया है। इन 1972 द वर्ल्ड फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी वॉज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड। 1972 में दुनिया की पहली नेशन वाइड ग्रीन पार्टी फाउंड की गई थी न्यूजीलैंड के अंदर। सिंस देन, तब से द मूवमेंट हैज नॉट लुक्ड बैक, तब से इस मूवमेंट ने पीछे मुड़ के नहीं देखा है, ये कंटीन्यूअसली आगे ही बढ़ा है। वी हैव शिफ्टेड वन होप्स इररिवोकेबली फ्रॉम द मैकेनिस्टिक व्यू टू अ होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड। हमने शिफ्ट किया है, एक आशा उभरी है और हमारा एक होलिस्टिकली होलिस्टिक वे, एक अच्छा वे इस इकोलॉजी को लेके, जो हमारा वातावरण है, जो हमारा पर्यावरण है, उसको लेके दुनिया के अंदर ये बात अमर्ज हुई है। इट इज अ शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शंस एज अ रिवोल्यूशनरी एज दैट इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉपरनिकस हु टॉट मैनकाइंड इन द 16th century दैट द अर्थ एंड द अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। कि ये एक शिफ्ट है ह्यूमन परसेप्शन में, हमारे इमेजिनेशन में, हमारे परसेप्शन में, हमारी सोच में, हमारे नजरिए में, एज ए रिवोल्यूशनरी, इतना ही रिवोल्यूशनरी है जैसा कि रिवोल्यूशनरी परसेप्शन इंट्रोड्यूस किया गया था कॉपरनिकस के द्वारा, जिसने हमें बताया था 16th century में कि अर्थ और जो दूसरे ग्रह हैं वो रिवॉल्व करते हैं, वो घूमते हैं, सन जो है, सूर्य है, उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। For the first time in human history, पहली बार human history में, there is a growing worldwide consciousness that the earth itself is a living organism. कि पहली बार human history में एक growing consciousness, एक सोच जो है वो दुनिया के अंदर उभरी है, वो अमर्ज हो रही है कि अर्थ अपने आप में ही एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक जीता जागता एक ऑर्गेनिज्म है, जिसमें an enormous being of which we are parts, जिसमें हम सब भी क्या है, इसके parts। It has its own metabolic needs and vital process which need to be respected and preserved। इसकी अपनी, किसकी, अर्थ की अपनी एक metabolic needs है, जैसे हमारी metabolic needs होती है, वैसे ही इसकी भी एक metabolic needs है और vital process है इसकी, जिसको respect किया जाना चाहिए और जिसको बचा के रखा जाना चाहिए। The Earth's vital signs reveal a patient in declining health.
और ये जो पृथ्वी के वाइटल साइंस हैं, कुछ सिम्टम्स हैं, वो बता रहे हैं कि इसकी हेल्थ, इसका जो स्वास्थ्य है वो क्या हो रहा है, खराब हो रहा है. वी हैव बिगन टू रियलाइज आवर एथिकल ऑब्लिगेशंस टू बी गुड स्टीवर्ड्स ऑफ द प्लैनेट एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज ऑफ द लीगेसी टू फ्यूचर जनरेशंस. हम सब ने भी ये रियलाइज करना स्टार्ट कर दिया है कि हमारे भी क्या है, एथिकल ऑब्लिगेशंस हैं, कुछ कर्तव्य हैं किसके प्रति, इस अर्थ के प्रति. और हम क्या है, ट्रस्टीज हैं. हम ट्रस्टीज हैं किसके लिए, हमारी फ्यूचर फ्यूचर जनरेशन जो आने वाली है उसके लिए, हम इस अर्थ को बचा के रख सके, इसके प्लेनेट को कैसे एक अच्छे वे में, इसको डिक्लाइनिंग कंडीशन में ना छोड़. द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज पॉपुलराइज्ड इन 1987 बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट. कि दुनिया में जो वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट डेवलपमेंट बना, उसके द्वारा एक कंसेप्ट दिया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 1987 के अंदर. देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका मतलब है डेवलपमेंट हो रही है, बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट हो रही है, बिल्डिंग्स बन रही है, रोड्स बन रही है, ब्रिजेस बन रहे हैं, बहुत बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन इंडस्ट्रीज लग रही है. लेकिन ये डेवलपमेंट ऐसी ना हो कि हम रिसोर्सेज जो ये एनवायरमेंट हमें प्रोवाइड कराता है, ये अर्थ हमें प्रोवाइड करा रही है, उसका दोहन कर रहे हैं, वो आगे जाके खत्म ना हो जाए कहीं. अभी तो डेवलपमेंट हो रहा है, सस्टेनेबल रहे, ये सस्टेन करे, कंटिन्यूसली आगे बढ़ती रहे डेवलपमेंट, फ्यूचर जनरेशन आए उनके लिए भी रिसोर्सेज अवेलेबल रहे, कि हम इस सारे रिसोर्सेज को डिप्लीट ना कर दें. तो इसी का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन भी इस डेवलपमेंट का फायदा उठा सके. कहीं डेवलपमेंट हम रिसोर्सेज का दोहन करते जाए और वो तो ऑब्वियसली खत्म होंगे, तो डेवलपमेंट भी कैसी हो, सस्टेनेबल हो. आगे आपको बता रहा है, इन इट्स रिपोर्ट इट डिफाइंड द आइडिया एज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट. कि इसने वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट ने अपनी जो रिपोर्ट थी उसमें एक आइडिया डिफाइन किया था. वो क्या था, डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट, कि ऐसी डेवलपमेंट जो प्रेजेंट की नीड को फुलफिल करे विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स. और इस चीज को कॉम्प्रोमाइज किए बिना कि फ्यूचर जनरेशन की जो नीड्स हैं, मतलब फ्यूचर जनरेशन भी तो ऑब्वियसली रिसोर्सेज का दोहन करेगी, तो हम ही सारे रिसोर्सेज को यूज ना कर ले कहीं. इन एग्जाम्पल, विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन वुड नीड. कि विदाउट उन जो फ्यूचर जनरेशन को रिसोर्सेज चाहिए उनको यूज किए बिना हम ऐसी डेवलपमेंट करें, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज रहे और हम भी अपना डेवलपमेंट करें. तो ये जो है वर्ल्ड कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में ये सारी चीज बताई थी. इन द जू एट लुसाका, लुसाका के एक जू जो कि जाम्बिया में है, उसमें देर इज ए केज, एक केज है वेयर द नोटिस रीड्स, जहां पे नोटिस लिखा गया है द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर. इनसाइड द केज, इस केज के अंदर देर इज नो एनिमल, वहां पे कोई एनिमल नहीं है, कोई जानवर नहीं है, बट ए मिरर, एक कांच लगा हुआ है, वेयर यू सी योरसेल्फ, जहां पे आप अपने आप को देखते हैं. थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ अ नंबर ऑफ एजेंसीज इन डिफरेंट कंट्रीज, अ न्यू अवेयरनेस हैज नाउ डॉन्ड अपॉन द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड. कि बहुत सारे न्यूमरस एजेंसीज को धन्यवाद किया जाना चाहिए, उनके एफर्ट्स को धन्यवाद किया जाना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जो एजेंसीज वर्क कर रही है एनवायरमेंट के लिए, तो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि दुनिया में ये जो मोस्ट डेंजरस एनिमल है उसके, मतलब उसके अंदर जो है उस अवेयरनेस क्रिएट की जा सके इस एनवायरमेंट के प्रति भी. ही हैज रियलाइज्ड द विजडम ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम अ सिस्टम बेस्ड ऑन डोमिनेशन टू वन बेस्ड ऑन पार्टनरशिप. और उसने रियलाइज कर लिया है ये विजडम, शिफ्टिंग फ्रॉम सिस्टम बेस्ड ऑन डोमिनेशन, डोमिनेशन नहीं करना हमें, पार्टनरशिप कैसे माफ कीजिएगा, पार्टनरशिप कैसे, कि उसने रियलाइज कर लिया है शिफ्टिंग फ्रॉम सिस्टम बेस्ड ऑन डोमिनेशन ना करके हमें पार्टनरशिप, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी चीजें छोड़नी होगी और चीजों को अच्छे तरीके से हम यूटिलाइज करके चले. और ये जो है पार्टनरशिप में कैसे कि एनवायरमेंट जो है उसको भी अफेक्ट किए बिना डेवलपमेंट हो. साइंटिस्ट हैव कैटलॉग्ड अबाउट 1.4 मिलियन लिविंग स्पीशीज विद विच मैनकाइंड शेयर्स द अर्थ. साइंटिस्ट ने अब तक लगभग 1.4 मिलियन जो है लगभग 14 लाख अलग अलग स्पीशीज जो है वो मैनकाइंड के साथ जो शेयर करती हैं अलग अलग स्पीशीज वो फाइंड की हैं. एस्टिमेट्स वेरी वाइडली एज रिगार्ड्स द स्टिल अनकैटलॉग लिविंग स्पीशीज. और कई सारे एस्टिमेट्स ऐसे भी हैं, बहुत सारी लाखों की तादाद में ऐसे स्पीशीज भी हैं जिनको अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया गया है. बायोलॉजिस्ट रेकॉन दैट अबाउट 300 million अदर लिविंग स्पीशीज स्टिल लैंग्विश अननेम्ड इन इग्नोमिनियस डार्कनेस. Ignominious darkness. तो बहुत सारी, अभी कई सारे साइंटिस्ट ऐसा बोलते हैं कि 300 million करोड़ों की संख्या में जो है अलग अलग स्पीसीज, एक स्पीसीज में बहुत सारे अलग अलग प्राणी जो है, अलग अलग स्पीसीज के प्राणी वो यहाँ पे जिनका कोई नाम नहीं, हम जानते नहीं है उनको, वो भी अभी यहाँ पे लैंग्विश करते हैं.
अभी है रहते हैं. वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशन विच डील्ड इंटर एलिया विद द क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट वॉज द ब्रांडेड कमीशन. कि सबसे पहले इंटरनेशनल कमीशन जो बना जिसने इकोलॉजी और एनवायरमेंट पे वर्क किया वो था ब्रांडेड कमीशन व्हिच हैड डिस्टिंग्विश इंडियन एज वन ऑफ इट्स मेंबर, जिसमें एक इंडियन भी इसके मेंबर थे इस कमीशन के, वो थे मिस्टर एल के झा. जो फर्स्ट ब्रांडेड रिपोर्ट रेज हुई थी उसने एक क्वेश्चन अमर्ज किया था, एक क्वेश्चन रेज किया था, आर वी टू लीव आवर सक्सेसर्स एज कॉस्ट प्लैनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट्स इंपोवरिश्ड लैंडस्केप्स एंड एलिंग एनवायरमेंट. क्या हम, ये जो ब्रांडेड रिपोर्ट थी जिसमें एल के झा भी एक मेंबर थे, एक इंडियन थे, उसने उसने एक क्वेश्चन रेज किया था और वो क्वेश्चन था क्या हमारे सक्सेसर्स के लिए, जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए हम स्कॉर्च प्लैनेट, एक वीरान प्लैनेट छोड़ने वाले हैं जो जिसमें डेजर्ट्स बढ़ रहे हैं, इम्पॉवरिश्ड लैंडस्केप्स बढ़ रहे हैं और ये जो एनवायरमेंट है उसको क्या बीमारी लगी है, एलिंग प्लैनेट, बीमार प्लैनेट है वो. तो क्या हम आने वाली जनरेशन के लिए ऐसा प्लैनेट, ऐसा एनवायरमेंट छोड़ने वाले हैं? Mr. Lester R. Brown, in his thoughtful book, The Global Economic Prospect, points out that the Earth's principal biological systems are four. Now, Mr. Lester R. Brown, जिन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, The Global Economic Prospect, उसमें वो point out करते हैं कि Earth के चार principal biological system हैं. पहला है fisheries, दूसरा forest, तीसरा grasslands और चौथा croplands. And they form the foundation of the ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम. और यही सारे दुनिया के, ये जो चार कंसेप्ट हैं, ये जो चार आपके पार्ट बताए गए, ये दुनिया के ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम को की फाउंडेशन है. इन एडिशन टू सप्लाइंग अवर फूड, हमारे फूड सप्लाई करने के अलावा भी, दीज फोर सिस्टम प्रोवाइड वर्चुअली ऑल द रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री एक्सेप्ट मिनरल्स एंड पेट्रोलियम डिराइव्ड सिंथेटिक्स. कि ये सारी, ये जो चार पार्ट्स अभी बताए गए आपको, ये हमें बहुत सारे मटेरियल्स, फूड तो सप्लाई करते ही ऑब्वियसली, उसके अलावा रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज को और बहुत सारी चीजें जो है ये प्रोवाइड करते हैं. इन लार्ज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड ह्यूमन क्लेम्स ऑन दीज सिस्टम्स आर रीचिंग एन अनसस्टेनेबल लेवल. लार्ज एरिया जो है दुनिया का उसमें ह्यूमन जो है उन्होंने इन सिस्टम्स पर unsustainable level पर claims इनके किए हैं, बहुत बड़ी मात्रा में इनका दोहन किया है, a point where their productivity is being impaired. और एक ऐसे point तक हम पहुंच गए जहां इनकी productivity भी उस पैमाने पर नहीं हो पा रही है, क्यों, हम बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर दोहन कर रहे हैं, इनका यूज ले रहे हैं इनको. When this happens, fisheries collapse. जब ऐसा होता है, दोहन बहुत बड़े पैमाने पर होता है, तो fisheries collapse करती है, forests disappear होते हैं, grasslands जो है वो barren land में convert हो जाती है, एंड क्रॉपलैंड जो है वो डेटरेट हो जाती है. इन ए प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड ओवर फिशिंग इज कॉमन एवरीडे. कि प्रोटीन हंग्री है जो वर्ल्ड है, ओवर फिशिंग, हम फिशिंग भी बहुत ज्यादा करेंगे तो एक्वा लाइफ है उसको भी हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. इन पुअर कंट्रीज लोकल फॉरेस्ट आर बींग डेसिमेटेड इन ऑर्डर टू प्रोक्योर फायरवुड फॉर कुकिंग. कई सारी पुअर कंट्रीज जहां पे फायरवुड अभी यूज की जाती है, तो बड़े पैमाने पर फॉरेस्ट को क्या किया जा रहा है, डेसिमेट किया जा रहा है, काटा जा रहा है, डिस्ट्रॉय किया जा रहा है. इन सम प्लेसेस फायरवुड हैज बिकम सो एक्सपेंसिव दैट व्हाट गोज अंडर द पॉट नाउ कॉस्ट मोर देन व्हाट गोज इनसाइड इट. कई सारे ऐसे स्थान भी हैं जहां पे फायरवुड बहुत कॉस्ट करता है, बहुत महंगा है. और इवन यहां पे बोल रहे हैं एक सटायर के रूप में कि व्हाट गोज अंडर द पॉट नाउ कॉस्ट मोर देन व्हाट गोज इनसाइड इट. कि उस पॉट में, बर्तन में जो चीज पकाई जाती है, जो चीज डाली जाती है उससे महंगा, तो जो चीज उसके नीचे डाली जाती है जलाने के लिए, पकाने के लिए, वो ज्यादा कॉस्टली हो गई है. सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज इन द वर्ड्स ऑफ Dr. Myers, the powerhouse of evolution, several species of life face extinction as a result of its destruction. कई सारे forests जो हैं वो क्या मतलब काटे जा रहे हैं, कई सारे species जो हैं वो क्या obviously forest भी कट रहे हैं, तो वो भी obviously extinct हो रहे हैं, vanish हो रहे हैं. It has been well said that forest precede mankind, deserts follow. The world's ancient patrimony of tropical forest is now eroding at the rate of 40 to 50 million acres a year. देखिए यहाँ पे बहुत एक डरावना डेटा भी है कि आगे यहाँ पे बता रहा है, ये बहुत अच्छे रूप में कहा जा सकता है कि फॉरेस्ट प्रिसीड मैनकाइंड, फॉरेस्ट जो है वो प्रिसीड करते हैं मैनकाइंड को और उसके बाद में डेजर्ट फॉलो करते हैं. और ऐसा माना जाता है कि 40 टू 50 मिलियन एकड़ की तादाद में हर साल फॉरेस्ट क्या हो रहे हैं, मतलब इरोड हो रहे हैं, काटे जा रहे हैं. एंड द ग्रोइंग यूज ऑफ डंग फॉर बर्निंग डिप्राइव्स द सॉइल ऑफ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर. और जो डंग्स हैं, काउ डंग्स जो होते हैं,
उनका यूज किया जाता है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि बड़ी मात्रा में जो नेचुरल फर्टिलाइजर होता है, जो नेचुरल फर्टिलिटी बढ़ाता है लैंड की, वो उससे भी हम क्या हो रहे हैं, डिप्राइव ऑफ हो रहे हैं. द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स दैट ए 5-fold इंक्रीज इन द रेट ऑफ फॉरेस्ट प्लांटिंग इज नीडेड. वर्ल्ड बैंक ने एस्टिमेट किया है कि 5-fold, 5 गुना की संख्या में जो है फॉरेस्ट प्लांटिंग की जरूरत है, उसे बढ़ाया जाना चाहिए. विद द एक्सपेक्टेड फ्यूल वुड डिमांड इन द ईयर 2000, जो 2000 में डिमांड थी उसके अकॉर्डिंग ये बताया गया. जेम्स स्पैथ, द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, सेड द अदर डे. जेम्स स्पैथ ने एक बार कहा था, जो प्रेसिडेंट है वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के, वी आर सेइंग दैट वी आर लूजिंग द फॉरेस्ट एट एन एकर अ सेकंड, कि हम जो है कह सकते हैं कि एक सेकंड में एक एकड़ फॉरेस्ट लूज कर रहे हैं, बट इट इज मच क्लोजर टू एन एकर एंड हाफ टू अ सेकंड. क्या, और ये 1.5 एकड़ के करीब है, मतलब इस तादाद में हम बढ़ रहे हैं फॉरेस्ट को, इस तादाद में हम जो है काट रहे हैं. आर्टिकल 48A में कॉन्स्टिट्यूशन के, जो इंडिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो प्रोवाइड करता है दैट द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट द इंप्रूव द एनवायरनमेंट एंड थ्रू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री. कि स्टेट को ये वर्क है, स्टेट वर्क करे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में, एनवायरनमेंट को इंप्रूव करने में, और फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को सेफगार्ड करने में. ये इसका, ये कॉन्स्टिट्यूशन 48A जो आर्टिकल है हमारा, वो प्रोवाइड कराता है और ये प्रोविजन करता है कि स्टेट को ये वर्क करना चाहिए. But what causes endless anguish is the fact that laws are never respected nor enforced in India. कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम की बात यही है कि कानून तो बनाए जाते हैं लेकिन कानून क्या इंप्लीमेंट नहीं किए जा रहे और एनफोर्स नहीं किए जा रहे इंडिया में, स्पेसिफिकली ये प्रॉब्लम है. फॉर इंस्टेंस द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी एंड बॉन्डेड लेबर शैल बी अबोलिश्ड बट दे आर फ्लरिश शेमलेसली. जैसे कॉन्स्टिट्यूशन तो ये भी कहता है कि कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी और बॉन्डेड लेबर, जो बंधुआ मजदूरी है, वो क्या अबोलिश की जाती है, वो गलत है, कानून अपराध है, लेकिन वो अभी भी बढ़ रहे हैं. इवन आफ्टर 44 ईयर्स ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 44 साल कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के बाद में, क्योंकि एक आर्टिकल जो है 2000 ईयर्स में लिखा गया था, उसकी हम एक्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो ये पहले का डेटा है. तो 44 साल जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद में भी अभी ये प्रॉब्लम है. अ रीसेंट रिपोर्ट ऑफ आवर पार्लियामेंट्स एस्टिमेट्स कमिटी हैज हाइलाइटेड द नियर कैटास्ट्रोफिक डिप्लीशन ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट ओवर द लास्ट 4 डेकेड्स. एक नई पार्लियामेंट की एस्टिमेट कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि फॉरेस्ट जो है, इंडिया के जो जंगल हैं, पिछले 4 दशकों में कैटास्ट्रोफिक डिप्लेशन, बहुत बड़ी संख्या में, बहुत खतरनाक स्थिति में क्या डिप्लेट हुए हैं, खत्म हो रहे हैं, कम हो रहे हैं. इंडिया अकॉर्डिंग टू रिलायबल डाटा इज लूजिंग इट्स फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकड़ ईयर. कि इंडिया जो है एक रिलायबल डेटा के अकॉर्डिंग लगभग 3.7 मिलियन, लगभग 37 लाख एकड़ लैंड जो है, एक फॉरेस्ट जो अपने हर साल गवा रहा है, खत्म हो रहे हैं. लार्ज एरियाज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज फॉरेस्ट लैंड आर ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस. कई सारे ऐसे एरियाज जिनको ऑफिशियली डेजिग्नेट किया गया है वो फॉरेस्ट एरियाज हैं, वो अब क्या हो गए, ट्रीलेस हो गए, वहां पे पेड़ भी देखने को नहीं मिलते. द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 8 times द रेट इंडिकेटेड बाय गवर्नमेंट स्टेटिस्टिक्स. और ऐसा माना जा सकता है कि गवर्नमेंट स्टेटिस्टिक्स जो है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रिकॉर्ड जो है, उनकी तुलना में जो एक्चुअल लूज है, लॉस जो है हमारा, वो कितना 8 गुना ज्यादा हो. तो इतनी भयावह स्थिति है. अ 3-year study using satellites and aerial photography conducted by the United Nations warns that the environment has deteriorated so badly that it is critical in many of the 88 countries investigated. एक satellite imagery images का जब study की गई United Nations के द्वारा, तो उसमें पाया गया कि लगभग 88 देश, 88 countries ऐसे हैं जहां पे conditions जो है बहुत खराब हो रही है environment की, पर्यावरण की. There can be no doubt that the growth of world population is one of the strongest factors distorting the future of human society. सबसे important reason कहा जा सकता है, इसमें कोई doubt नहीं है, कौन सा, दुनिया की जो जनसंख्या जिस पैमाने पर बढ़ रही है वो सबसे बड़ा factor है इस environmental problem का. It took mankind more than a million years to reach the first billion. कि आदमी को, जो mankind है, उसको लगभग millions year लगे, लाखों साल लगे, 1 million हो, 1 billion होने में, 1 अरब होने में. लेकिन that was the world population around the year 1800, जो दुनिया की population थी 1800 में, 1800 में 1 billion. लेकिन 1900 आते आते, अगले 100 साल के दौरान ही क्या हो गई, दुनिया की population double हो गई, मतलब 2 billion was it 1900 में. 1800 तक हमारी आबादी कितनी, 1 billion थी, मतलब कितने लाखों साल लगे होंगे पृथ्वी का पूरा टाइम. 1800 तक हमारी आबादी 1 billion थी, लेकिन 1900 में हमारी आबादी कितनी होगी दुनिया की, 2 billion, मतलब 2 billion होगी, डबल हो गई.
और 20th सेंचुरी आते आते 3.7 बिलियन और जुड़ गए और प्रेजेंट वर्ल्ड में ये पॉपुलेशन कितनी है 5.7 बिलियन है। और अभी हम 2019 में हैं तो अब अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स ये है कि हमारी पॉपुलेशन 7 बिलियन के करीब है, 7 अरब। तो आप सोच सकते हैं किस पैमाने पर दुनिया में पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसके एडवर्स इफेक्ट पड़ रहे हैं किस पर, एनवायरमेंट पर। एवरी 4 डेज द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीजेस बाय 1 मिलियन, कि हर चौथे दिन में दुनिया की आबादी में 1 मिलियन लोग और ऐड हो जाते हैं। इस पैमाने पर हमारी आबादी बढ़ रही है। फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम्स राइज, एजुकेशन स्प्रेड्स एंड हेल्थ इंप्रूव्स, दस डेवलपमेंट इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव, बट डेवलपमेंट इटसेल्फ मे नॉट बी पॉसिबल इफ द पर्सन इंक्रीज इन नंबर कंटिन्यूज। कि फर्टिलिटी जो है फॉल्स, वो जो है गिर जाती है, इनकम बढ़ती है, एजुकेशन बढ़ती है, हेल्थ अगर इंप्रूव होता है तो डेवलपमेंट हो रही है ऑब्वियसली, ये कॉन्ट्रासेप्टिव है इस चीज का। लेकिन डेवलपमेंट अलोन जो है प्रेजेंट सिनेरियो में जिस हिसाब से अगर एनवायरमेंट जो पॉपुलेशन बढ़ती रही तो वो भी क्या होगी, वो भी सफिशिएंट नहीं होगी। द रिच गेट रिचर, अमीर होते जा रहे हैं, द पुअर एंड द पुअर बिगेट चिल्ड्रन विच कंडम्स देम टू रिमेन पुअर, मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्कर्स, मेरली मोर पीपल विदाउट वर्क। ज्यादा जो बच्चे हैं या ज्यादा व्यक्ति जो है उनसे ये मतलब नहीं है कि ज्यादा वर्कर्स होंगे, ज्यादा व्यक्ति से ऑब्वियसली ये है कि वो क्या होंगे, विदाउट वर्क, और ये कंडीशन और खराब होगी। इट इज नॉट सजेस्टेड दैट ह्यूमन बीइंग्स बी ट्रीटेड लाइक कैटल एंड कंपल्सरी स्टरलाइज्ड, और ये भी सजेस्ट नहीं किया जा सकता कि आदमी को इस तरीके से ट्रीट किया जाए कैटल्स के जैसे, मवेशियों के जैसे, और कंपल्सरी स्टरलाइज्ड हो। स्टरलाइज्ड मतलब जो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए मेजर अपनाया जाता है जिसमें स्टरलाइजेशन किया जाता है, जैसे नसबंदी है। तो ये भी क्या है, ये भी प्रॉपर सही नहीं हो सकता। बट देर इज नो अल्टरनेटिव टू वॉलेंट्री फैमिली प्लानिंग विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कोर्सन, कि इसके अलावा कोई अल्टरनेटिव नहीं हो सकता वॉलेंट्री फैमिली प्लानिंग हो, और उस पर दबाव भी होना चाहिए, कोई कोर्सन होना चाहिए ऑब्वियसली। ये आर्टिकल में जो ऑथर है, जो राइटर है, वो सजेस्ट करती है। द चॉइस इज रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड परपेचुएशन ऑफ पॉवर्टी। अब चॉइस सिंपल सी है, कंट्रोल किया जाए पॉपुलेशन पे या परपेचुएशन, ये गरीबी को, क्योंकि इस पैमाने पर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना, तो किस पैमाने पर लोगों को रिसोर्सेज अवेलेबल हो पाएंगे, तो ऑब्वियसली गरीबी भी बढ़ेगी। तो चॉइस सिंपल सी है, या तो कंट्रोल हो पॉपुलेशन पर या इस हिसाब से गरीबी बढ़ती जाए। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 920 मिलियन टूडे, आज ये उस ड्यूरेशन में लिखा गया था, अब तो ऑब्वियसली हमारी पॉपुलेशन लगभग 130 करोड़ के करीब है। तो आज जो है 1.2-1.3 जो बिलियन के करीब हमारी पॉपुलेशन है। तो ये बता रही हैं जो आपके राइटर हैं, आर्टिकल में बताती हैं आगे कि द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 920 मिलियन टुडे, आज जो पॉपुलेशन है वो एस्टिमेट की जाती है 900 मिलियन के करीब, मोर देन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका पुट टुगेदर। कि अफ्रीका और साउथ अमेरिका की पॉपुलेशन टुगेदर भी रख दी जाए उससे भी ज्यादा। नो वन फैमिलियर विद द कंडीशन इन इंडिया वुड डाउट दैट द होप ऑफ द पीपल वुड डाई इन देयर हंग्री हटमेंट्स अनलेस पॉपुलेशन कंट्रोल इज गिवन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। और हर कोई जो है, नो वन फैमिलियर विद द कंडीशन, इस चीज से अभी ज्ञात नहीं है कि अगर सिचुएशन ऐसी ही रही तो ऑब्वियसली सिचुएशन बहुत खराब होगी, और पॉपुलेशन इसी हिसाब से बढ़ती रही तो ऑब्वियसली हम क्या, जो हंगर है, जो भुखमरी है, या जो गरीबी है, वो हमें क्या, हमारा मतलब नुकसान करेगी। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री वी सी एज ट्रांसजेंडिंग कंसर्न द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल बट ऑफ द प्लैनेट। कि पहली बार हम ह्यूमन हिस्ट्री में ये महसूस कर रहे हैं, और एक ट्रांसजेंडिंग कंसर्न, एक इंपॉर्टेंट ध्यान लोगों का भी जिस तरह बढ़ रहा है कि ये सर्वाइवल सिर्फ लोगों का नहीं, इस पूरे प्लैनेट का है। मतलब इन चीजों पर कंट्रोल करना होगा, एनवायरनमेंट पर एडवर्स इफेक्ट पड़ रहे हैं। वी हैव बिगन टू टेक ए होलिस्टिक व्यू ऑफ द वेरी बेसिस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। अब जो है कई सारे अच्छे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं और होलिस्टिक व्यू लिया जा रहा है हमारे एग्जिस्टेंस को लेके। द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम डज नॉट नेसेसरली सिग्नल आवर डिमाइज। हालांकि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम ये कोई सिग्नल नहीं है हमारे डिमाइज का, हमारे खात्मे का, हमारे अंत का। इट इज आवर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर। ये एक पासपोर्ट है हमारे फ्यूचर का, कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा। द अमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन हैज अशर्ड इन द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। It is a holistic view, an ecological view, seeing the world as an integrated whole rather than a dissociated collection of parts. आगे यहाँ पे
जो राइटर है वो कहती है दिस, ये जो अमर्जिंग नया व्यू है, वर्ल्ड विजन जो है नया, वो असर कर रहा है, इस चीज पर दबाव डाल रहा है कि एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जिसमें जिम्मेदारी को समझा जाए, एक होलिस्टिक व्यू जो है, इकोलॉजिकल व्यू जो है वो अपनाया जाए, और इस वर्ल्ड को इंटीग्रेटेड होल रादर देन ए डिसोसिएटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट्स, कि इंटीग्रेटेड हम सब साथ में मिलकर जो इस वर्ल्ड को देखें और इसकी जो प्रॉब्लम्स है उसको काउंटर करें. इंडस्ट्री हैज अ मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले इन दिस व्यू एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. इस सिचुएशन में इंडस्ट्रीज जो है, उद्योग जो है, उनका रोल और बढ़ जाता है, उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है. व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी इफेक्टेड इफ मोर बिजनेसमैन शेयर द व्यू ऑफ द चेयरमैन ऑफ डूपॉन्ट मिस्टर एडगर्स एस वोलार्ट, हु 5 years ago declared himself to be the company's chief environmental officer. देखिए यहां पे बहुत अच्छी चीज बताई जा रही है राइटर के द्वारा कि व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी इफेक्टेड, कि कितना अच्छा एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा और प्रभाव डालेगा इफ मोर बिजनेसमैन, कि और ज्यादा बिजनेसमैन, जैसे कि जो चेयरमैन थे डूपॉन्ट कंपनी के, इंडस्ट्री के, मिस्टर एडगर, उन्होंने अपने आप को 5 साल पहले डिक्लेयर किया था चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर. ये कंपनी में सीईओ की पोस्ट होती है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की, वहां पे एक पोस्ट रखी गई चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर की, जो एनवायरमेंट पर भी वो इंडस्ट्री ध्यान देगी, हमारे हमारी वजह से दूसरी चीज पर इफेक्ट ना पड़े, एनवायरमेंट पर इफेक्ट ना पड़े. तो दूसरे बिजनेसमैन को भी ऐसी ही चीजें करनी चाहिए, ये राइटर बताती है. He said, उन्होंने बोला था मिस्टर एडगर्स एस वोलार्ड ने कि अवर कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस एज ए लीडिंग मैन्युफैक्चरर रिक्वायर्स दैट वी एक्सेल इन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस, कि हमारा कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस जो हमारा अस्तित्व जो है वो इसी पे डिपेंड करता है कि हमारा एनवायरमेंट कैसे परफॉर्म करता है. ऑफ ऑल द स्टेटमेंट्स मेड बाय मार्गरेट थैचर ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टरशिप, कि सारी स्टेटमेंट जो मार्गरेट थैचर जो प्राइम मिनिस्टर थी इंग्लैंड की, उनके द्वारा अपने ड्यूरेशन में कही गई थी, नन हैज पास सो डिसाइसिवली इनटू द करंट कॉइन ऑफ इंग्लिश यूजेस एज अ फेलिशियस वर्ड्स, नो जनरेशन हैज ए फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ, ऑल वी हैव इज अ लाइफ टेनेंसी. देखिए मार्गरेट थैचर ने बोला था कि किसी कोई भी जनरेशन जो है उसका फ्री होल्ड नहीं है इस अर्थ पर, एक अधिकार नहीं है, हम क्या है, टेनेंट है, हम बस किराएदार हैं, हम थोड़े समय के लिए आए, आने वाले जनरेशन और आएंगी, तो हमें इस एनवायरमेंट पर गलत प्रभाव नहीं डालने चाहिए, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए विद अ फुल रिपेयरिंग लीज. और हम क्या है, एक लीज पर, जैसे लीज ली जाती है, पट्टा होता है किसी भी घर का या जो एरिया का, लैंड का, उसी तरीके से मार्गरेट थैचर कहती है कि हमारा इस पर फ्री होल्ड नहीं है, हम बस टेनेंसी के रूप में, हमने कुछ लीज ली हुई है और उस टाइम तक रह रहे हैं, तो हम ऑब्वियसली एक टेनेंट को कैसे, ऐसा नहीं कि भाई मकान को खराब कर देना चाहिए, वो रह रहा है तो ऑब्वियसली उसको सही तरीके से उसको प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए, वैसे ही हमें भी क्या करना चाहिए, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए. इन वर्ड्स ऑफ मिस्टर लेस्टर ब्राउन के शब्दों में, We have not inherited this earth from our forefathers. We have borrowed it from our children. बहुत अच्छे वर्ड कहे हैं लेस्टर ब्राउन ने, कि हमने इसको इनहेरिट, हमने इसको प्राप्त नहीं किया अपने फोरफादर्स से, अपने पूर्वजों से, अपने पुरखों से, हमने क्या किया है, इसे किराए पर लिया या बोरो किया है, उधार लिया है, किन से, हमारी फ्यूचर जनरेशन से, हमारे फ्यूचर जो चिल्ड्रन है उनसे, फ्यूचर जनरेशन से हमने क्या किया, इनको उधार लिया है, किसको, इस धरती को, तो हमें ऑब्वियसली उनके लिए इसको प्रोटेक्ट करके रखना होगा. देखिए ये एक जो करंट सर्कमस्टेंसेस है उस पर बेस्ड एक अच्छा आर्टिकल था, ये 2000 के करीब लिखा गया था. तो ये आपका चैप्टर पूरा हुआ एलिंग प्लैनेट. आपको ये वीडियो कैसे लगी आप जरूर बताइएगा कमेंट करके, और प्लेलिस्ट अवेलेबल है जिसमें आपके 11th क्लास के इंग्लिश के सारे चैप्टर्स आपको अवेलेबल हैं, आप वहां पर जाके देख सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच.